तो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो लोग YouTube पर आना चाहते हैं उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या उनको सेटअप की ज़रूरत पड़ती है या एक प्रोफेशनल माइक की ज़रूरत पड़ती है या एक रिंग लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आज कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप YouTube पर वीडियो बनाना चाहते हो तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास एक अच्छा कॉन्टेंट है तो आप कहीं भी खड़े होकर के वीडियो बना सकते हो। बैकग्राउंड में क्या है कोई मैटर नहीं करता, सेटअप अच्छा है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता, अच्छा माइक है नहीं कोई मैटर नहीं करता, रिंग लाइट है नहीं कोई मैटर नहीं करता। अगर जो आपके पास अच्छा कंटेंट है, बस लोगों को पसंद आना चाहिए, तो भाई जरूर मैं कहूंगा आपका चैनल जरूर ग्रो करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं आपको अच्छे माइक की जरूरत नहीं है। वो क्यों, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पास अच्छा माइक नहीं है तो आप वॉइस ओवर करके अपना कंटेंट रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल सकते हो। जैसे आप भी कोई कंटेंट रिकॉर्ड करना चाहते हो तो रिकॉर्डिंग के लिए प्रोफेशनल माइक की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जो एयरफोन का जो माइक होता है ना, उससे आप प्रोफेशनली अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा, अगर जो आप यूट्यूब पे आना चाहते हो तो हर कोई यूट्यूब पे अपना फेस नहीं दिखाना चाहता, किसी को शर्म आती है तो किसी को कैमरे का फेयर रहता है। मैं आपको सबसे पहले यही कहूंगा, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहते हो तो आप अपनी वॉइस से शुरू करो वीडियो बनाना। बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो आज के टाइम में बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, अच्छा ग्रोथ कर लिया उन्होंने आज के टाइम में, जिनकी शुरुआत वॉइस ओवर से हुई थी। पहले वॉइस ओवर करते थे, उन पे अपनी इमेजेस चलाते थे, जिस टॉपिक पे भी बात करते थे मतलब उसी टॉपिक की वो इमेज क्रोम में जाकर के डाउनलोड करके वहां से तो जूम इन जूम आउट कर देते थे। इसके लिए आप अपने मोबाइल से एडिट कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल लैपटॉप की या प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। जैसा कि प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की मैं बात करूं, प्रीमियर प्रो है, आफ्टर इफेक्ट है या FCP है। अगर जो आप चाहते हो कि भाई हमारा अच्छा कंटेंट हो तो आप अपने मोबाइल से भी एडिट कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद भी किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हर कोई कैमरे के सामने नहीं बोल पाता, तो अगर आप अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हो तो आप अपनी वॉइस से स्टार्ट कर सकते हो। और मैं आपको बता देता हूँ, ये तो थी माइक की और कैमरे की बात, और अगर आप कैमरे पर बोल सकते हो तो आपको किसी रिंग लाइट की या एक्सटर्नल लाइट की ज़रूरत नहीं है। आप आउटडोर में जाओ, अपनी छत पे जाओ, एक सुनसान वाले इलाके में आप जाकर के अपनी वीडियो शूट कर सकते हैं आराम से, अपनी नेचुरल लाइट में वीडियो शूट कर सकते हैं। बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है नेचुरल लाइट का। अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है तो भाई आप कहीं भी खड़े होकर वीडियो बना लो, वही वीडियो चल जाएगी। टॉयलेट में मत बना लेना भाई। अगर आपको चैनल क्रिएट करना नहीं आता, थंबनेल लगाना नहीं आता, टाइटल लिखना नहीं आता, तो आई बटन में जाओ, मेरी पूरी सीरीज पड़ी है 15 वीडियो की, वहां पर आपको चैनल क्रिएट से लेकर के मोनेटाइजेशन तक आपको 15 वीडियो की सीरीज मिल जाएगी, जिसपे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि चैनल क्रिएट कैसे किया जाता है और लास्ट मोनेटाइजेशन तक। काफी मैं अभी थोड़ा बता देता हूं मैंने क्या क्या उस वीडियोस में बताए हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि क्रिएट कैसे किया जाता है, क्रिएट करने से पहले हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है वो मैंने इसमें कंप्लीट बताया है आपको, और मैंने उसमें थंबनेल लगाना बताया है, टाइटल लिखना बताया है, उसके बाद मैंने वहां पे टैग्स लगाना बताया है प्रॉपर तरीके से, और डिस्क्रिप्शन लिखना बताया है प्रॉपर तरीके से, एंड स्क्रीन, आई बटन, सब टाइटल, मतलब टोटल मैंने कंप्लीट यूट्यूब की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हर किसी को पता होनी चाहिए न्यू क्रिएटर्स को। तो आप आई बटन में जाइए, वहां पर आपको 15 वीडियोस की सीरीज मिल जाएगी, तो वो सीरीज देखो, आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप प्लान कर रहे हो यूट्यूब पर आने का तो मैं कहूंगा भाई आ जाओ आप यूट्यूब पर, क्योंकि अगर आपको आपने मन बना लिया कि मेरे को तो YouTube में ही अपना करियर बनाना है, तो मैं सबसे पहले आपको यही कहूंगा कि भाई इसको एज ए करियर लेकर के ना चलो। सबसे पहले मैं आपको यही कहूंगा, अगर जो आप YouTube पर वाकई में आना चाहते हो तो कम से कम स्टार्टिंग में 2-3 घंटे इसको दो भाई, 2-3 घंटे तो दे ही सकते हो ना स्टार्टिंग में। जब आपको लगेगा कि हाँ रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है वीडियो पे, तब आप थोड़ा सा और टाइम बढ़ा देना, क्योंकि देखो भाई पेरेंट्स, कुछ के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि भाई क्या कर रहा है ये यूट्यूब पे वीडियो बनाता रहता है, वीडियो कॉलिंग पे बात करता रहता है हमेशा। क्योंकि मेरी कल एक मेरे सब्सक्राइबर से बात हुई थी इंस्टाग्राम की वीडियो कॉलिंग पर, और वो मुझसे बात कर रहा था और मुझसे यही ग्रोथ के बारे में पूछा था कि मेरे को अपना चैनल कैसे ग्रो करना है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा एक चैनल हैक हो गया। तुरंत एकदम उसकी मम्मी आ गई, उसने एकदम कहा मम्मी आ गई मैं बाद में बात करता हूँ। मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब उसकी मम्मी के आती उसने फोन एकदम कट कर दिया। कुछ लोगों के पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारा बच्चा यूट्यूब पर वीडियो बनाए, लेकिन जो बच्चों का जो माइंडसेट होता है वो वीडियोस देख देख के, यूट्यूबर्स को देख देख के वो भी अपना आप ग्रो करना चाहते हैं, वो भी एक अच्छा खासा अर्निंग करना चाहते हैं यूट्यूब के जरिए। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं भाई, स्टार्टिंग में किसी को कोई सपोर्ट नहीं करता,
YouTube पे आपको इसी तरह से छुप छुप के वीडियो बनानी पड़ती हैं। लेकिन जब आप YouTube पे ग्रो कर जाते हो, जब पेरेंट्स को लगने लगता है कि हाँ भाई अब तो हमारा बच्चा हमें कमा के दे रहा है YouTube से, तो भाई फिर फैमिली फुल सपोर्ट करती है दोस्त। उसके लिए प्रॉपर स्टूडियो देती है बना करके, प्रॉपर एक कैमरा ला करके देती है, अच्छा माइक ला के देती है, अच्छी रिंग लाइट ला करके देती है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने स्ट्रगल किया है, वो पेरेंट्स को नहीं दिखा, वो चुपके चुपके काम करता था। लेकिन जब वो लोग ग्रो कर जाते हैं तो उसके पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं और आसपास के लोग भी खुश हो जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बता देता हूँ, जो मेरे साथ भी हुई है और आपके साथ भी हो रही होगी ऐसी, और अगर जो आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना भाई। जब मैं वीडियो बनाता था स्टार्टिंग में, तो मुझे बहुत सारे, जब मैं अपनी वीडियोज़ को शेयर करता था ग्रुप्स वगैरह में और व्हाट्सअप पे और अपने फ्रेंड्स लोगों को, तो मतलब यही बोलते थे भाई क्या कर रहा है यूट्यूब पे, क्या कर रहा है, तो ये सब फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत कर भाई, अपनी जॉब वॉब कर ले, पढ़ाई कर ले अपनी आगे की। लेकिन जब उनको धीरे धीरे लगा कि भाई व्यूज़ आने लगे हैं भाई की वीडियो पे और 5,000 और 1,000 जा रही है वीडियो की कंटेंट, तो भाई सब हर किसी को लगता है, जब उनको लगता है कि हाँ भाई बंदा कमा रहा है, तो भाई फिर वो, मैं आपको बताऊं, जो आपको ये कहेंगे ना कि भाई क्या कर रहा है यूट्यूब पे, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, एक दिन वही आपको बोलेंगे कि भाई मेरा यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करा दे, ये हकीकत बात है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो भाई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे इंस्टाग्राम पर, मैं आपका वेट करूँगा सिर्फ इस वर्ड को सुनने के लिए कि हाँ भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो दोस्तों ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस था और मैंने आपको बता ही दिया कि आपका अगर जो स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो आपको यही कहूँगा, अगर जो आप फेस कैम नहीं कर सकते लाइक मी, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, अगर ये नहीं कर सकते तो आप भाई वॉइस ओवर से शुरू कर दो अपना काम। कोई भी स्टोरी हो आप उसके बारे में इमेजेस जूम इन जूम आउट कर सकते हैं इजीली से, पावर डायरेक्टर में, काइन मास्टर में, फिल्मोरा में, ये आप इजीली से मिल जाते हैं प्ले स्टोर पर, आप वहाँ पे जा करके इनका यूज़ कर सकते हैं। और एडिटिंग बहुत ईजी होती है उसमें, एडिटिंग करना तो आप कर सकते हैं इजीली। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मैंने अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर किया, और जो स्टार्टअप कर रहे हैं लोग मैंने उनके बारे में थोड़ा सा बताया कि भाई कैसे स्टार्टअप करना चाहिए और स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए उनको। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।